हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। देखिए, आज सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का 16 नंबर का पार्ट है, लेक्चर है। इसमें मैं आपको डाइकॉट सीड की स्ट्रक्चर बताऊंगा। डाइकॉट सीड क्या होते हैं, यानी दो पत्र जिन बीजों में पाए जाते हैं उनको डाइकॉट सीड कहा जाता है। दो बीज पत्र जिनमें पाए जाते हैं उनको डाइकॉट सीड के नाम से जाना जाता है। दलहनी कुल के जो भी बीज होते हैं, दालें जिसके अंतर्गत आती हैं, उन सभी में मुख्य रूप से दो बीज पत्र पाए जाते हैं। एक ही उदाहरण के तौर पे बताया है। तो क्यों? क्योंकि वही आपके सिलेबस में है। चना, देखिए लिखा हुआ ग्राम, तो ग्राम की स्ट्रक्चर आज आपको बताया जाएगा। तो ये ग्राम बाहरी तौर पर कैसा दिखाई देता है, इसमें बाहरी रूप में कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, फिर इसके जब अंदर को देखते तो अंदर कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है। आपने सभी ने चना देखते हैं, डेली लगभग देखते होंगे, तो इसकी कल्पना ये नहीं की होगी कि इसमें इतने इतने भाग भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो वही स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक सीड का जो आपके हाथ में लेकर देखते हैं वह बता रहा हूँ। क्या? जो आप हाथ में लेकर सीड को देखते हैं उसी चीज को मैं इंडिकेट कर रहा हूं। देखिए, ये भाग आपको दिखाई देता है चने में, ये वाला भाग, नुकीला भाग, बिल्कुल नुकीला सिरा। दिख रहा है? ये गड्ढा भी दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट तौर पर। इस गड्ढे को हाइलम या नाभि का कहा गया। क्लियर? इस गड्ढे में एक छेद पाया जाता है, नुकीले सिरे के बगल से एक छेद पाया जाता है। इस छेद को बीजांड द्वार, बीजांड द्वार कहा जाता है, यानी माइक्रो पाइल के नाम से जाना जाता है। चारों ओर जो कवरिंग लेयर होती है बीज के, ये तो आप जानते ही हैं। इस कवरिंग लेयर को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? सीड कोट, बीज चोल कहा जाता है। क्लियर? ये जो संधि रेखा दोनों भागों के ऊपर लाइन बिल्कुल चारों तरफ पाई जाती है, देखी होगी सभी ने, तो इसको रेफे या फिर संधि रेखा के नाम से जानते हैं। संधि रेखा के नाम से जानते हैं। ये भाग आप बाहर से देख लेते हैं, बीज के किसी बाहर से देख लेते हैं। सीड कोट जो रहता है, ये सीड कोट दो भागों में रहता है। एक तो टेस्टा वाला भाग, जो बाहरी भाग होता है टेस्टा, और भीतर का जो भाग होता है जिसको टैगमेन कहा जाता है। यानी मैं यहाँ सीधे सीधे बता देता हूँ, कोई भी बीज होता है तो बीज के चारों ओर जो आवरण पाए जाते हैं उसको बीज चोल या सीड कोट कहा जाता है। इस सीड कोट में दो लेयर होती है। बाहर की जो लेयर होती है जो टेस्टा कहलाती है, जो बीजांड के बाह्य अध्यावरण से बनी हुई होती है। टैगमेन जो लेयर होती है, यह टैगमेन किसी भी बीज चोल की आंतरिक लेयर होती है, जो बीजांड या ओव्यूल के इनर जो इंटेगुमेंट था, अंतः जो अध्यावरण था, उस अंतः अध्यावरण से मुख्य रूप से टैगमेन का निर्माण होता है। तो ये तो एक सामान्य स्ट्रक्चर होती है किसी बीज की, मतलब जो बीज क्या किसी आपको ग्राम पढ़ा रहा, तो ग्राम के सामान्य स्ट्रक्चर देखते हैं। अब आपको सिद्ध करना है कि इसमें छिद्र पाया जाता है कि नहीं। आप बीज को पानी में डालिए फुलाने के लिए, कुछ समय तक यह फूलने के लिए डला रहेगा, फिर 2 घंटे 4 घंटे बाद उसको निकालोगे, उसको थोड़ा सा दबाना, तो दबाओगे तो एक नुकीले वाले भाग से पानी के बुलबुले बूंदे से निकलेंगे। तो यानी कि पानी की बूंद और किसी स्थान से नहीं निकलेंगी, विशेष ध्यान रखना, नुकीले वाले भाग से ही निकलेंगे। तो ये स्पष्ट होता है कि इस भाग पर कोई ना कोई छिद्र पाया जाता है जिससे पानी की बूंदें या पानी के बुलबुले बाहर निकल रहे हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार ही छिद्र होता है। क्लियर? पहली बात तो ये।
अब जब बीज गीला है तो यहीं इसको अपन डिसेक्ट भी कर लें थोड़ा सा, उसकी चीड़ फाड़, तो उसका जो बाहरी जो आवरण है उस आवरण को हटाओ। तो आवरण को हटाने के बाद आपको लाइट येलो कलर का भूरे रंग का पार्ट दिखाई देगा जिसको भ्रूण कहा जाता है। उस भाग को क्या कहते हैं? भ्रूण कहा जाता है। तो जब भ्रूण की स्टडी करते हो तो भ्रूण में अपने को दो भाग स्पष्ट तौर पर दिखाई देते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, देख लीजिए, दो भाग स्पष्ट तौर पर दिखाई देते हैं। दो भाग किसी भी चने के आउटर कवरिंग लेयर को हटाते तो दो भाग दिखाई देते हैं। पहला भाग जो होता है इसको बीज पत्र कहा जाता है, बीज पत्र कहा जाता है, यानी कॉटे लिडन के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो भाग होता है जिसको अक्ष कहा जाता है, अक्ष कहा जाता है, यानी एक्सिस कहा जाता है। तो ये दो भाग किसी बीज के भ्रूण में पाए जाते हैं। पहला बीज पत्र यानी कॉटिलडन, दूसरा भाग होता अक्ष यानी एक्सिस वाला भाग। कौन सा होता है? अक्ष एक्सिस वाला भाग। तो बीज पत्र या कॉटिलडन वाला जो भाग होता है, क्या जब बीज को अपन खोलते हैं, बीज को खोलते हैं तो भाग जो चपटा दिखाई देता है, बीज को खोलने से मतलब स्पष्ट तौर पर ऐसे करते हैं तो भाग चपटा मोटा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? चपटा मोटा दिखाई देता है। उसी को बीज पत्र कहा जाता है, कॉटिलीडर वाला भाग कहा जाता है। तो मैं देखिए आपको खोल के बता रहा हूं, क्या खोल के बता रहा हूं, बिल्कुल ये खोल के बता दिया। देखिए इसमें थोड़ा 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 ये देता हूं, यहां एक छिद्र बना देता हूं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने, थोड़ा सा यदि पेंटिंग करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा वो ये ऐसा लगेगा डार्कनेस हो गया है, बस उसके लिए करना है और अपने को कुछ भी नहीं दिखाना है। ये आउटर कवरिंग लेयर को हटाने के बाद दिखाई देने वाला भाग है। आउटर कवरिंग लेयर को हटाने के बाद इस प्रकार का चपटा मोटा भाग दिखाई देगा। तो ये तो मतलब वही, अब आप कह सकते हैं सीड कोट तो बोल ही दे, मतलब जो जो पीले ऊपर के आवरण पाया जाता है, ये जो दोनों जो मैंने बनाए, ये यही भाग जो यही भाग क्या कहलाते, ये लिखा हुआ है कॉटिलिडन, क्या कहलाते, बीज पत्र या कॉटिलिडन कहलाते। मोटे मोटे वाले जो भाग होते हैं उन्हीं को कहा जाता है बीज पत्र या कॉटिलिडन। ये आपको दिखाई दे रहा है छिद्र, इसको माइक्रो माइक्रो पाइल कहा जाता है, यानी बीजांड बीजांड द्वार के नाम से जाना जाता है। क्या? माइक्रोपाइल है, बीजांड द्वार के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपको पूर्व बताई था जो गड्ढा होगा, इस गड्ढे को माइक्रो गड्ढे को नाभिका, गड्ढे को क्या कहा जाता है? नाभिका या हाइलम कहा जाता है। उसी हाइलम में मतलब एक छिद्र पाया जाता है जिसको माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं। ये मुख्य रूप से इसकी क्या होती है? संरचना होती है। ये क्या होती है? इसकी एक सीड की संरचना। अब ये तो बीज पत्र हो गया। दूसरा भाग जो मैं बात करने चाह रहा हूं, जो मेन भाग है, एक्सिस भाग है, अक्ष भाग है, दोनों बीज पत्र इस प्रकार से जुड़े हैं। दोनों बीज पत्र जो है वो इस प्रकार से जुड़े हैं। तो जोड़ने को जो मुख्य रूप से जो कहा जाता है, एक छोटी संरचना पाई जाती है दोनों बीज पत्र के बीच में, दोनों बीज पत्र के बीच में एक छोटी सी संरचना पाई जाती है। तो ये देखिए मैं संरचना बनाने जा रहा हूँ, क्लियर तरीके से देख लेना बेटा। ये संरचना मैंने बनाई, क्या इस संरचना में ये
भाग पाया जा रहा है। अच्छा, दोनों बीज पत्र के बीच में, विशेष ध्यान रखेंगे, दोनों बीज पत्र के बीच में ये संरचना पाई जाती है जिसे एक्सिस या अक्ष कहा जाता है। एक्सिस या अक्ष का जो ऊपरी भाग होता है, एक्सिस या अक्ष का जो ऊपरी भाग होता है, ये वाला भाग जिसको मैं इस साइड करूंगा लेबलिंग, जिसको प्लीम्यूल या प्रांकुर कहा जाता है, प्लीम्यूल या प्रांकुर के नाम से जाना जाता है। इस प्रांकुर के द्वारा, प्लीम्यूल के द्वारा किसका निर्माण होता है? प्ररोह, किसी पौधे के प्ररोह वाले भाग का निर्माण इसी प्लीम्यूल के द्वारा होता है। इसका जो नीचे वाला जो भाग होता है, जिसको रेडिकल कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? रेडिकल कहा जाता है, यानी कि इसको मूलांकुर, क्या नाम दिया गया? मूलांकुर नाम दिया जाता है। मूलांकुर से मुख्य रूप से किसी भी पौधे के जड़ का निर्माण होता है। काय का निर्माण होता है? किसी भी पौधे का जड़ का निर्माण होता है। तो दो भाग, बीज पत्रों के भाग बीच में ये वाला भाग दबा रहता है। तो जो बीज पत्र के बीच में भाग दबा रहता है, जिसको प्लीम्यूल कहते हैं प्रांकुर, इसके नीचे जो संरचना पाई जाती है, इसके नीचे पाई जाने वाली ये जो संरचना होती है, जिसको एपिकॉटल कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है इसको? एपिकॉटल के नाम से इस भाग, किसके नीचे? प्लीम्यूल या प्रांकुर के नीचे बिल्कुल जो संरचना पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? एपिकॉटल के नाम से जाना जाता है। बीज पत्रों पर एक, किस नाम से जानते? बीज पत्रों परिक, यानी किसके नीचे? प्लीम्यूल प्रांकुर के नीचे एपिकॉटिल यानी बीज पत्रों परिक नामक संरचना पाई जाती है। पहली चीज, रेडी के लिए मूलांकुर के बिल्कुल ऊपर सीधे ये जो भाला भाग होता है, यहां हाइपो कॉटिल वाला भाग पाया जाता है। किसके नीचे? देखिए, प्रांकुर के नीचे तो एपिकॉटिल पाया जा रहा है, रेडिकल के थोड़ा ऊपर हाइपोकॉटिल नामक संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हाइपोकॉटिल नामक संरचना पाई जाती है, जिसे बीज पत्रों पत्राधार जिसको बीज पत्राधार के नाम से जाना जाता है, बीज पत्राधार के नाम से जाना जाता है, यानी हाइपोकोटिल के नाम से जाना जाता है। रेडिकल के ऊपर वाला जो भाग होता है वह हाइपोकोटिल कहलाता है। इतना भाग जो रहता है वो तो किसके अंदर? बीज पत्र के अंदर धका रहता है। अब बीज पत्र के जो बाहर का भाग होता है, जिसको रेडिकल या मूलांकुर के नाम से जाना गया। तो इतनी स्ट्रक्चर आपको काय में पढ़नी है बेटा, जो द्विबीजपत्री बीज होते हैं, चने चने के रूप में मुख्य रूप से इसको बताया गया। अब एक बीज पत्री जो बीज आएगा, कौन सा बीज आएगा? एक बीज पत्री जो बीज आएगा, तो एक बीज पत्री बीज में मैं आपको मक्का या मेज के उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा, ठीक है?